ओके चेक करते हैं प्लीज आगे देखो फोर्स फोर्स के अंदर न्यूटन के लॉ से स्टार्ट है न्यूटन के तीन लॉस फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ साइलेंस प्लीज ध्यान आ गए लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी या एम इनटू ए एवरेज फोर्स डेल्टा पी बाई डेल्टा टी थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट इनर्शियल नॉन इनर्शियल में सिर्फ ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है या वो बॉडी रेस्ट पे है तो उसमें एक्सेलरेशन जीरो है इसको इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं और अगर कोई बॉडी की एक्सेलरेशन है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो जब कोई बॉडी एक्सेलरेट करती है तो अंदर जो बॉडी पड़ी हुई है जैसे 1 kg का ब्लॉक है उसके ऊपर क्या लगती है सूडो फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन बस इतना ही पता होना चाहिए इसमें नेक्स्ट कनेक्टेड मोशन दो ब्लॉक्स हैं टेंशन है 10 न्यूटन है फ्री बॉडी डायग्राम 10 माइनस टी इज 2 ए टी इज इक्वल टू 5 ए सॉल्व करके टी एंड ए कैन बी कैलकुलेटेड अगर स्ट्रिंग्स दो हैं टेंशन T1, T2, T2 तो 100 माइनस T1 इज 2 ए T1 माइनस T2 इज 5 ए T2 इज इक्वल टू 1 ए कनेक्टेड मोशन में स्ट्रिंग है टेंशन टी एंड टी 7G माइनस टी 7 ए टी माइनस 5G इज 5 ए ठीक है किया हमने अगर दो की जगह तीन ब्लॉक्स हैं तो यहाँ टेंशन टी एंड टी यहाँ टेंशन T' 5G माइनस टी इज 5 ए 1G माइनस T' इज 1 ए 2G प्लस T' माइनस टी इज 2 ए सॉरी ऊपर जा रही है बॉडी तो टी माइनस 2G माइनस T' इज 2 ए T' माइनस 1G इज 1 ए ठीक कनेक्टेड मोशंस के बाद कुछ नहीं रस्सी का मास कुछ नहीं आना इंक्लाइन प्लेन टेंशन टी एंड टी MG cos theta MG sin theta बॉडी नीचे आ रही है तो 7G माइनस टी 7 ए और टी माइनस 5G sin 30 इज 5 ए तो दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है लिफ्ट के केस के फॉर्मूलाज आते हैं लिफ्ट रेस्ट पे है एन फॉर एपरेंट वेट है या नॉर्मल रिएक्शन है इक्वल टू एम जी है लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो फॉर्मूला याद करो एन इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए नीचे आ रही है तो एन इज इक्वल टू क्या एम इंटू जी माइनस ए फॉर्मूला याद करने हैं नेक्स्ट है अगर कोई बैलून गैस नीचे निकल रही है तो मास पर यूनिट टाइम गिवन है वेलोसिटी गैस की 5 m/s है फोर्स निकालनी है गैस वाले और वाटर वाले क्वेश्चन में वेलोसिटी कांस्टेंट है मास चेंज होता है तो वेलोसिटी गिवन है 5 और मास फ्लोइंग पर सेकंड कितना है 10 गिवन होगा आंसर 50 N उसी तरीके से अगर वाटर निकल रहा है पाइप में से फोर्स क्या होगी D/dt ऑफ mv वेलोसिटी कांस्टेंट है dm/dt मास क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड क्या होता है एरिया इनटू वेलोसिटी तो फॉर्मूला आ गया फोर्स का अगर स्ट्रिंग टेढ़ी है ऐसी और मास लटका हुआ इक्विलिब्रियम है तो टी के दो कंपोनेंट्स होंगे टी कॉस टी साइन थीटा इज इक्वल टू 100 टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 15G याद रखना है ये नहीं आएगा मूविंग पुली नहीं आएगी नेक्स्ट है नेक्स्ट शीट कनेक्टेड मोशन की सेम है जो भी हमने की फोर्स की थ्योरी के अंदर मोमेंटम एम इंटू वी इम्पल्स फोर्स इंटू टाइम आएगा पेपर में स्टेट एंड प्रूव इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम स्टेटमेंट में इट स्टेट्स दैट चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द इम्पल्स अप्लाइड ऑन इट प्रूफ करना है एफ इज DP/dt क्रॉस मल्टीप्लाई टाइम के लिमिट 0 से T मोमेंटम की P1 से P2 1 dP की इंटीग्रेशन P तो P2 - P1 और ये F इंटू टी फोर्स इंटू टाइम इम्पल्स इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम प्रूफ आएगा पेपर में शो दैट न्यूटन सेकेंड लॉ इज रियल ऑफ मोशन केस नंबर 1 फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ तो क्या करेंगे एफ इज एम ए किसी बॉडी पे अगर फोर्स एक्ट नहीं करती तो उसकी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो या तो उसकी वेलोसिटी जीरो है या कांस्टेंट है फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ कंटेन्ड इन सेकंड लॉ
दो बॉडीज हैं कोलिजन कर रही हैं एक दूसरे पे एफ वन एफ टू फोर्स लगा रही हैं, पहली बॉल का मोमेंटम ये रहा, सेकेंड का ये रहा, ऐड कर दो, स्टार्ट यहाँ से करना है। आपने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया तो आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम कॉन्स्टेंट होता है जिसकी डिफ्रेंसिएशन जीरो, तो एफ वन टू इज इक्वल टू माइनस एफ टू वन, तो ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये तो खैर एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ये बताते हैं कि अगर बुलेट आगे जा रहा है, गन पीछे आ रही है, M1 V1 M2 V2, बॉम्ब दो हिस्सों में एक्सप्लोड हो रहा है तो M1 V1 M2 V2, बॉम्ब के तीन टुकड़े हो रहे हैं M1 V1 M2 V2, तीसरा यहां आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ऑफ मोमेंटम इसके इक्वल होगा, ये मैथमेटिकली क्वेश्चन है और बाकी कोलिजन हमने कर लिया है। नेक्स्ट है ये नहीं, ये शीट कॉम्पिटिशन की शीट है, कंस्ट्रेंट इक्वेशन नहीं आएगी। लिखने को आएगा पक्का, अगर तीन नंबर में आएगा कि राइट लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम क्या है तो पहले डेफिनेशन लिखनी है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम तो टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कॉन्स्टेंट। मैथमेटिकल लिखना है कि अगर मान लो एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, मासेस एम1 से mn तक है, वेलोसिटी v1 से vn तक है, तो टोटल मोमेंटम इनका वेक्टर सम होगा, तो वेक्टर सम है f इज dv / dt, अगर f 0 है तो p इज अ कॉन्स्टेंट, लेकिन p इन सबके सम के इक्वल है, यहां तक लिख के आना है ठीक। ये आ सकता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कहां से प्रूव करना है, न्यूटन के थर्ड लॉ से, थर्ड लॉ से। ये कहां से प्रूव किया, न्यूटन के सेकेंड लॉ से। तो थर्ड लॉ में कुछ नहीं करना, थर्ड लॉ के अंदर दो बॉल्स की टक्कर दिखानी है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है तो डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर देना है, फोर्स इनटू टाइम इंपल्स है ए का, इंपल्स है बी का, इंपल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम फर्स्ट का, चेंज इन मोमेंटम सेकेंड का, वन वाली टर्म्स एक तरफ, टू वाली टर्म्स एक तरफ, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये प्रूव करके आना है ठीक। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन प्रूव करो न्यूटन फ्रॉम कंजर्वेशन मोमेंटम से, तो जो हमने प्रूव किया न्यूटन सेकेंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन, उसका केस टू था ना, केस टू में एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट प्रूव करते हैं, वही कर देना, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको टू प्रूव न्यूटन सेकेंड लॉ रियल लॉ, हमने प्रूव किया थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ, सेम प्रूव कर देना, इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल चलो अपने न्यूमेरिकल्स करने ही हैं इसके। रॉकेट प्रोपल्शन करनी है, रॉकेट प्रोपल्शन में क्या करना है, पहले प्रिंसिपल लिखना है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट है ये डायग्राम बनाना है, एम नॉट है, वी नॉट है, एम और वी है, मतलब मास एम नॉट से एम हो गया, वेलोसिटी वी नॉट से वी हो गया, तो वेलोसिटी वी प्लस डी वी होगी, मास एम माइनस डी एम हो गया, कुछ इस तरीके से लिखना है। एम नॉट इनिशियल मास है, वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी है, एम मास ऑफ द रॉकेट लेफ्ट है, वी वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट लेफ्ट है, कुछ ऐसे। फिर सीधा ये लिखना है, ये लिखना है इसमें, ये रॉकेट का मोमेंटम है, रॉकेट का मास इनटू रॉकेट की चेंज इन वेलोसिटी, और ये मोमेंटम किसका है, गैस का, यू वेलोसिटी ऑफ गैस है, डीएम मास ऑफ गैस है, क्रॉस मल्टीप्लाई डीवी आ गया, लिमिट्स लगाएंगे, मास की लिमिट एम नॉट से एम हो गई, वेलोसिटी वी नॉट से वी हो गई, वन डीवी वी है, वन डीएम लॉग एम है, एक बार एम एक बार एम नॉट माइनस लॉग फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म फर्स्ट बाई सेकेंड, इसको रेसिप्रोकल लेंगे माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा आंसर, यहां तक करके आना है तो क्लियर है। यहां तक डायग्राम बना के ये लिख के, ये इंपॉर्टेंट है, M1 V1 इज M2 V2 ऐसे, तो dV की लिमिट करेंगे तो V आ जाएगा, भाई इसमें इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन के अंदर ये कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है, अगर बॉडी इस तरफ मूव कर रही है तो फ्रिक्शन पीछे है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, तो ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये नेट कॉन्टैक्ट फोर्स है ठीक। नेक्स्ट है आप इसमें ये ग्राफ याद करेंगे फ्रिक्शन का अप्लाइड फोर्स के साथ, कि पहले फ्रिक्शन स्टैटिक है फिर
काइनेटिक है, फिर लॉज लिखने को आ सकते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज हैं, ये नेचर पे डिपेंड करती है, ये टेंजेंशियल टू द सरफेस है और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया है और एफ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स आर इसका फॉर्मूला है। फिर ऐसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन के लॉ सेम है, बस म्यू एफ एस की जगह एफ के, म्यू एस की जगह म्यू के, बस ये फर्क है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर आ सकता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये अप्लाइड फोर्स है तो फ्रिक्शन पीछे है, रिएक्शन ऊपर है, रिएक्शन का और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का नॉर्मल जो रिजल्टेंट है वो ये है, रिजल्टेंट ने क्या एंगल बनाया आर के साथ थीटा, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। इसमें एक लाइन लिख रहे हैं, ये भी लिख सकते हैं, टैन थीटा क्या है, ये फ्रिक्शन है तो ये भी फ्रिक्शन है, तो टैन ऑफ थीटा इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय आर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन बाय आर, ऐसे तो टैन थीटा किसके इक्वल है, म्यू के इक्वल है, तो एक रिलेशन आ गया। फिर आ सकता है एंगल ऑफ रिपोज क्या है, मिनिमम एंगल इंक्लाइन प्लेन का जब वो बॉडी नीचे आना स्टार्ट करती है एंगल ऑफ रिपोज है, तो क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो mg into sin phi is equal to force of friction mu times mg into cos phi normal reaction, तो mg से mg कट गया तो tan phi की वैल्यू सॉल्व करके क्या जाएगी यहां पर म्यू, बस ये प्रूव करके आना है, ये एंगल ऑफ रिपोज है, इसकी डेफिनेशन करनी है, न्यूमेरिकल तो चलो करने ही है जो करने हैं। इसके बाद है पुश या पुल, इजियर टू पुश या पुल आता है, सबसे पहले हम किसी बॉडी को क्या कर रहे हैं, पुल एफ कॉस थीटा साइन थीटा, आर प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू वेट डब्ल्यू, ये रहा तो आर की वैल्यू आ गई, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम्स आर आ गया। अगर हम किसी बॉडी को पुश कर रहे हैं तो एफ के दो कॉम्पोनेंट्स हैं तो आर डैश इज एफ साइन थीटा प्लस एफ डब्ल्यू, ये रहा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस केस में ज़्यादा बड़ी है, इसमें प्लस है, ऊपर वाले में माइनस है, तो इसमें बड़ी है तो ये मुश्किल है, इसको जो है पुश करना पुल करना ज़्यादा ईजी है, मैथमेटिकली प्रूव करना है, थ्योरियाँ नहीं लिखनी, कहानियाँ मत लिखना पेपर में जाके, थ्योरीज कोई नहीं नंबर देगा, मैथमेटिकल। नेक्स्ट है हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, एक कार्ट है और हॉर्स है, हॉर्स ने पैर पीछे लगाया, रिएक्शन आगे, रिएक्शन के दो कॉम्पोनेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, टेंशन टी एन टी, फ्रिक्शन पीछे है, तो जब ये आगे जाएगा एच माइनस टी इज स्मॉल एम इंटू ए, टी इज इक्वल टू टी माइनस एफ इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए, दो इक्वेशंस दोनों को ऐड करो, ए आ गया, ए पॉजिटिव अगर लेके आना तभी घोड़ा दौड़ेगा, तो एच शुड बी ग्रेटर देन स्मॉल एफ, एच स्मॉल एफ से बड़ा है तो ऐसा होगा। नेक्स्ट है फ्रिक्शन के, तो चलो न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, सर्कुलर के अंदर पहला पार्ट टू वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, एक बॉडी सर्कल में घूम रही है एंगल डेल्टा थीटा, तो इसमें ओमेगा क्या है, डेल्टा थीटा बाय टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा थीटा, यहां पर एंगल इज इक्वल टू आर का बाय रेडियस डेल्टा आर बाय आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा आर, डेल्टा थीटा ऊपर से नीचे पुट करेंगे ये रहा, तो यहाँ से डेल्टा आर के नीचे डेल्टा टी आएगा, वी वी इक्वल टू आर ओमेगा का प्रूफ है। दूसरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर बाय आर, और फोर्स का फॉर्मूला एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर बाय आर। अगर बॉडी अपनी वेलोसिटी की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इसमें क्रिएट हो जाएगी, सेंट्रीपिटल तो है ही है, नेट एक्सेलरेशन इनका वेक्टर सम हो जाएगा। थ्योरी है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट लिख के आने, साइक्लिस्ट बेंड हो गया थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग आर के दो कॉम्पोनेंट्स है कॉस एंड साइन और एम जी, आर कॉस थीटा एम जी, आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, इन्हें डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी। फिर ऐसी लेवल रोड पे बैंकिंग नहीं है, आम सड़क पे गोल घूम रही है कार, तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन दोनों टायर्स का आर वन आर टू ये रहा इज इक्वल टू एम जी, फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपेटल तो दोनों की फ्रिक्शन टूवर्ड सेंटर, तो रूल नंबर वन ये रही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सेंट्रीपेटल।
तो आर वन प्लस आर टू इसमें एम जी के इक्वल है, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, वी की वैल्यू आ जाएगी आंसर, तो दूसरा केस भी हो जाएगा। तीसरा बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स, सड़क का ऊपर उठाना थीटा एंगल ताकि सेंट्रीपिटल प्रोवाइड की जा सके व्हीकल को, बैंकिंग और थीटा को एंगल और बैंकिंग बोलते हैं। पेपर में डायग्राम ये बनाना है, वो नहीं बनाना, ये कार है, नॉर्मल रिएक्शन है आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, फ्रिक्शन है एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। तो क्या रूल है, आर कॉस थीटा एफ साइन थीटा प्लस एम जी है, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा सेंट्रीपिटल है। तो एक ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, यहां से आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा एम जी, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके इसे आर कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, सिंप्लीफाई वी आ जाए, मैथ्स है बाकी तो। मेन इसमें सिर्फ यही चीज है कि डायग्राम कैसे बनेगा और कौन कौन सी फोर्सेस किसके इक्वल बनेंगी, पहली वन एंड टू इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल सर्कल में जब बॉडी घूमती है तो टेंशन मैक्स यहां पर होती है, मिनिमम यहां पर होती है, तो इक्वेशन भी आ सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल लो किसी भी बॉडी की वर्टिकल सर्कल, तो यहां पर इक्वेशन क्या बनेगी, टी मैक्स माइनस एम जी एम वी स्क्वायर बाय आर, इसमें क्या बनेगी, टी मिनिमम प्लस एम जी एम वी स्क्वायर बाय आर। तो दो इक्वेशन बनाए वन एंड टू, टी मिनिमम इसमें जीरो होती है, इसको जीरो करके एम से एम कैंसिल, वेलोसिटी आ गई एट हाईएस्ट पॉइंट। लोएस्ट निकालने के लिए दो पॉइंट लेंगे, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक ऊपर नीचे सेम, तो लोएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है जीरो, काइनेटिक एरी लोएस्ट पे, हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है एम जी इंटू टू एल और एरी काइनेटिक। तो यहां से हम हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी निकाल चुके हैं, यहां से लोएस्ट की कैन बी कैलकुलेट, ये प्रूव करने को आएगा मिनिमम वेलोसिटी कैसे निकालनी है। नेक्स्ट है वर्टिकल सर्कल में टी मैक्स माइनस टी मिनिमम का जो डिफरेंस है वो 6 एम जी होता है, ये प्रूव करो। सेम इक्वेशन लिखो वर्टिकल सर्कल की, टी मैक्स माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल, वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पे आपको पता है, सॉल्व करके क्या आ जाएगा टी मैक्स आ जाएगा, टी मिनिमम तो वैसे ही जीरो है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 6 एम जी, डन। बाकी जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं